हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर वो जो न्यूज निकल के सामने आई है वो क्या है और इसका इस कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देने वाला है। इसके अलावा जो और कुछ भी न्यूज निकल के सामने आए होंगे इस कंपनी के बारे में, उसे भी हम इस वीडियो में डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो एक तरफ आज जहां निफ्टी में लगभग 230 पॉइंट की गिरावट देखी गई और बाजार में जो सेंटीमेंट था वो निगेटिव हावी होता हुआ दिखाई दिया है, वहीं दूसरी तरफ इस शेयर में भी लगभग 1.5% की गिरावट देखी जा रही है और ये 61.09 रुपये पे बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि बात करें हम अगर 5 दिन के चार पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है 3.5% का निगेटिव रिटर्न निकाल कर देते हुए दिखाई दे रही है। जबकि बात करें 1 महीने के चार पैटर्न की, तो 1 महीने में इस कंपनी ने लगभग 11% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दे दिया है। वहीं अगर हम बात करें 6 महीने के चार पैटर्न की, तो लगभग 50% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के ये कंपनी देते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें एयरटेल डेट की, तो लगभग 8.5 से 9% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। जबकि बात करें हम अगर 1 साल के चार पैटर्न की, तो एक कंपनी 1 साल में लगभग 16% का रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी BSE पे 2019 में 7.80 रुपये पे, तब से लेके अभी तक ये 680% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे चुकी है और मात्र 4 से 5 सालों में ही ये एक तरीके से मल्टी बैगर साबित होते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो 600 से लेकर 700% का रिटर्न निकाल के दी है, ये फिलहाल अभी तो बहुत ही कम है, क्योंकि ये जो कंपनी जिस क्षेत्र में काम करते हुए दिखाई देती है वो है ईवी बाइक का क्षेत्र। और ईवी बाइक के क्षेत्र में एक तरीके से कहा जाए तो ये टू व्हीलर जो भी गाड़ियाँ होती हैं उसमें ये मार्केट लीडर होते हुए दिखाई देती है। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जब हम वीडियो बना के आपको बताए थे कि ये जो कंपनी लगभग 1 लाख+ गाड़ियाँ बेचने वाली भारत की पहली कंपनी ऐसी बनते हुए दिखाई दे दी थी, और इसका जो ब्रांड है वो जो ई बाइक के नाम से जाना जाता है। और ये न केवल इंडिया में कारोबार करते हुए दिखाई देती है बल्कि ये विदेशों में भी कारोबार करते हुए देखने को मिलती है। और इसके अलावा अभी जब ग्लोबल वाइब्रेंट समिट हुआ था गुजरात में, तो वहाँ पे ये जो कंपनी है एक नए क्षेत्र में एंट्री लेते हुए दिखाई दी थी और वो प्रोडक्ट लॉन्च करते हुए देखने को मिला था। और वो क्षेत्र था हाइड्रोजन बेस्ड जो बाइक होती हैं उसमें ये कंपनी एंट्री लेते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो 3 व्हीलर्स ईवी बाइक हैं, जो 3 व्हीलर्स ईवी गाड़ियां हैं, उसमें भी ये कंपनी ई रिक के नाम से जो ब्रांड लेकर चल रही है, उस सेगमेंट में भी ये कदम रखते हुए देखने को मिल रही है। और यही कारण है ये कि इस कंपनी के बारे में बताया जा रहा है कि आने वाले समय में ये जो कंपनी है 61 रुपये के आसपास मिल रही है वो आपको नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये बहुत तेजी से ये ग्रोथ करते हुए दिखाई दे सकती है। अब हम अगर बात करें जो कुछ अनाउंसमेंट या न्यूज निकल के सामने आए हैं उनकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो न्यूज निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है वो 10 तारीख को न्यूज निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो न्यूज ये बता रहा है कि ये 18 अप्रैल को एक मीटिंग रखे हुए हैं, वो बोर्ड मीटिंग होते हुए दिखाई देगी और जिसमें कुछ बहुत बड़े बड़े निर्णय होते हुए दिखाई देने वाले हैं, जिसे चलिए हम देख लेते हैं कि आखिर ये कौन से ऐसे निर्णय होने हैं जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है वो उस दिन और तेजी आते हुए इसमें दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 10 अप्रैल का डेट यहाँ पे पड़ा हुआ है और इसमें ये बताया जा रहा है कि जो बोर्ड मीटिंग रखी गई है वो फिलहाल वार्ड विजार्ड इनोवेशन मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी की तरफ से रखी गई है। और ये जो बोर्ड मीटिंग होने वाली है वो 18 अप्रैल को होते हुए दिखाई देने वाली है। और इस बोर्ड मीटिंग में क्या क्या फैसला लिया जाना है इसके बारे में यहाँ नीचे बताया जा रहा है। और लगभग 7
फैसले इसमें होते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो पहला फैसला इसमें होता हुआ दिखाई देगा वो फिलहाल ये जो कंपनी है इसके ट्रांजैक्शन से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी उसको फिलहाल यहाँ पे शेयर होल्डरों का अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई देगा और शेयर होल्डर का अप्रूवल लेने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा जो इसमें मिस्टर यातीन संजय गुप्ता जी हैं उनको रीअपॉइंटमेंट किया जाएगा मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी के रूप में, और इसके लिए भी शेयर होल्डर का अप्रूवल यहाँ पे उसी दिन लेते हुए ये दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो कंपनी है इंटरनल ऑडिटर ऑफ द कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए अपॉइंटमेंट करते हुए दिखाई देगी, और इसमें 2024 और 25 फाइनेंशियल ईयर के लिए जो भी इसमें डेटा निकल के सामने आएगा वो जो इंटरनल ऑडिटर होंगे वही इसे ऑडिट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा एक अपॉइंटमेंट और होता हुआ दिखाई देगा और वो ये अपॉइंटमेंट जो सेक्रेटरियल ऑडिटर का ये अपॉइंटमेंट करते हुए दिखाई देने वाले हैं, और ये भी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए ये इसका अपॉइंट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इसके अलावा जो अगला जो ये चर्चा करते हुए उस दिन दिखाई देंगे वो कंसीडर करेंगे और अप्रूव करेंगे जो पोस्टल बैलेट से संबंधित जो इवेंट हुए थे उसको, अर्थात ये पोस्टल बैलेट से संबंधित जो भी वोटिंग हुई थी उसको फिलहाल ये अप्रूव करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा जो छठे पॉइंट पर ये बात करने वाले हैं वो फिलहाल ये कंसीडर करने वाले हैं कि क्या अपॉइंटमेंट किया जाए जो स्क्रूटनाइजर होते हैं पोस्टल बैलेट प्रोसेस में उनको, अर्थात जो स्क्रूटनी करने वाले होंगे उनके अपॉइंटमेंट पे चर्चा होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब हम अगर बात करें अंतिम पॉइंट यानी सातवें पॉइंट की, तो इसमें बताया जा रहा है कि इसके अलावा जो ऊपर हमने सारे पॉइंट छः पॉइंट देखे हैं उसके अलावा अगर कोई भी अन्य चीज़ें होंगी उस पर भी चर्चा होता हुआ भी दिखाई दे सकता है यदि चेयरपर्सन जो है उनके द्वारा अप्रूव कर दिया जाता है तो। हालांकि इसमें एक चीज़ जो बात नहीं की गई है वो ये कि जो फाइनेंशियल रिजल्ट है इसका वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड का उसके बारे में फिलहाल कोई भी चर्चा करते हुए इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि जो इसका फाइनेंशियल ईयर बीता है अभी उसका जो Q4 का जो रिजल्ट आना है उसके संदर्भ में भी जल्द ही नोटिस आते हुए भी आपको दिखाई दे सकती है। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर है उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि जो 18 अप्रैल का जो डेट है इसे याद रखिएगा, क्योंकि इस दिन बहुत बड़े बड़े फैसले होते हुए दिखाई देंगे और इस पे मुहर भी लगते हुए दिखाई देंगे। और साथ ही साथ इसमें हो सकता है कि ये भी न्यूज़ निकल के आ जाए कि इसका जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आना है वो कब आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर बात करें इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है 12 अप्रैल को जो मार्केट बंद हुआ है तो उसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है वो 5,18,000 शेयरों की इसमें ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से लगभग 3,56,000 जो शेयर हैं वो डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है भले ही इसमें वॉल्यूम बहुत कम बन रहा हो लेकिन जितनी भी वॉल्यूम इसमें बन रही है उसमें ये जो कंपनी है उसमें जो इन्वेस्टर हैं वो अच्छा खासा लगभग 70% के आसपास माल उठाते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो 32% जो ट्रेडर हैं वो इसमें फ़िलहाल प्रॉफिट बुक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे, इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करिए, और साथ ही साथ जब भी इस कंपनी के बारे में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस जरूर करिए, और इस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी जुटाने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी, क्योंकि ये जो कंपनी है अभी भी एक माइक्रो कैप के रूप में स्टेड होते हुए दिखाई देती है और जिसका मार्केट कैप अभी फिलहाल बहुत ही कम है। और चूंकि हम पहले जब आपके इसके बारे में वीडियो बनाए थे तो आपको बताए थे कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें जो प्रोमोटर हैं उसमें इसमें 2% की गिरावट देखी जा रही है सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में, और जो पहले 70 से 71% के आसपास होल्डिंग बनी हुई थी वो फिलहाल घट के 68 से 68.5% के आसपास होते हुए दिखाई दे रही है। और इसके अलावा जो पब्लिक है उसके पास लगभग 31.5% के आसपास होल्डिंग होते हुए देखने को मिल
रही है, और जबकि सितंबर 2023 में जो पब्लिक थी उसके पास 29.5% की होल्डिंग बनी हुई थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसमें प्रमोटर होल्डिंग भी लगभग 2% के आसपास गिरावट इसमें देखी जा रही है। इसलिए इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसमें थोड़ा सा ध्यान से आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।